श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का खूनी खेल यहां पर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद में दीदी के मंत्री पर बम से हमला हुआ है। हमले में मंत्री जाकिर हुसैन घायल हो गए हैं, उनके साथ उनका भांजा और तमाम कार्यकर्ता भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि मंत्री जाकिर हुसैन की हालत अब खतरे से बाहर है। इस घटना की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है और जाकिर हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उधर कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के सामने बीजेपी और टीएमसी में हिंसक झड़प हुई, इसमें बीजेपी नेता घायल हो गए। आपको बता दें कि यह घटना इस तरह की पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। इन आवाजों को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन। मुर्शिदाबाद में इनके ऊपर क्रूड बम से हमला हुआ है। जाकिर हुसैन ट्रेन पकड़ने के लिए निमतिता रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। उनके साथ उनका भांजा और तमाम समर्थक मौजूद थे। नारेबाजी करते हुए वे ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी जोरदार धमाका होता है। अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, चीख पुकार मच जाती है। जब धुंध छटता है तो वहां का मंजर बेहद विभत्स दिखाई पड़ता है। जमीन पर पड़े तड़पते लोग, किसी के हाथ में चोट है तो किसी के पैर में, तो कोई खड़े होने लायक नहीं रह गया है। तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं, इसीलिए हमने इन तस्वीरों को थोड़ा ब्लर किया है ताकि स्क्रीन पर आपको दिखा सके। हमले के बाद जाकिर हुसैन को मुर्शिदाबाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। यहाँ डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और बताते हैं कि मंत्री जी की हालत ठीक है। इसके बाद उन्हें कोलकाता रवाना किया गया। मुर्शिदाबाद मेडिकल के कॉलेज में जब मंत्री साहब ने आया था, हिज कंडीशन इज स्टेबल, दाहिना हाथ में और बाएं पैर में चोट पहुंचा, प्लास्टर है, हिज आउट ऑफ डेंजर। दीदी के मंत्री पर हमला हुआ तो बंगाल से दिल्ली तक हलचल मच गई। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तक ने ट्वीट करके घटना की निंदा की और जाकिर हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। हालांकि बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने ममता सरकार पर ही सवाल उठा दिया और घटना को टीएमसी के अंदरूनी कलह और गुटबाजी का नतीजा बताया। देखिए, मिनिस्टर का ऊपर हमला जिस ढंग से हुआ, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरा ठप हो गया। पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो पूरा फेल है और इसीलिए ऐसा घटना हुआ। चुनाव पे असर इसमें पड़े, इसके लिए एक प्रयास भी हुआ और हमको लगता है जो ये तृणमूल का अंदरूनी मामला है, आपस का लड़ाई है और इसमें कोई पैसा का खेल है कि नहीं, वो भी छानबीन होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में दीदी के मंत्री पर हमला हुआ तो कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सामने ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। दरअसल शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ देर शाम पुलिस उपायुक्त के ऑफिस ज्ञापन देने जा रहे थे। जब काफिला फूल बागान मोड़ पर पहुंचा, उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए और रास्ता रोककर नारेबाजी करने लगे। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। इस हो हल्ला हंगामा और मारपीट में बीजेपी नेता शिवाजी रॉय घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका हाल जानने
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। आज अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं और उससे पहले की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की खूनी सियासत की सबूत हैं। ये तस्वीरें सबूत हैं उस हिंसा की जो आए दिन बंगाल में होने वाली घटनाओं की कहानी बयां करता है। सुयाग्नि के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। जो बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जान से लगे हुए हैं। अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर पहुंच गए हैं। वहां दक्षिण 24 परगना से अमित शाह को बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखानी है। फिर से सोनार बांग्ला के लिए परिवर्तन, ये लकीर है बीजेपी की और उसे खींचने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मैदान में है। परिवर्तन यात्रा है, सोनार बांग्ला बनाने की परिवर्तन यात्रा। बहुत मौका दे दिया ममता दीदी को, 10 साल तक शासन कराया, बंगाल का भला नहीं हुआ। बंगाल में बीजेपी की एक और परिवर्तन यात्रा लॉन्च करने के लिए को गृहमंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर है। दक्षिण 24 परगना के काक द्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। रथ यात्रा को रवाना करने से पहले काक द्वीप के इसी मैदान में अमित शाह पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। काक द्वीप का ये इंदिरा मैदान अमित शाह की उस रणनीति का गवाह बनने वाला है, उस संकल्प का साक्षी बनने वाला है जिसमें बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाना है। भारत माता की। दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को ये कह के चुनौती दी थी कि 2019 में हाफ, 2021 में साफ। 2019 में बंगाल की लोकसभा की 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी इस इरादे के छूने के बेहद करीब आई भी है। दो राज्य जो सबसे कठिन लग रहे हैं आपके इस कोशिश में, एक है पश्चिम बंगाल जहां पे कोशिशें तो बहुत दिख रही हैं, और दूसरा है केरल। यहां पर कभी आप देखते हैं कि भारत? देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, मैं आपको अभी से आंकड़ा बता देता हूं, आप आंकड़ा पूछते थे, 2019 में 22 से ज्यादा सीटें जीतेंगे पश्चिम बंगाल। मैं अभी से आपको आंकड़ा बता देता हूं, टोटल तो नहीं बताया मगर बंगाल का बता देता हूं, वहां स्थिति स्पष्ट है। तो 2014 से तैयारी शुरू हो गई थी जी। मैं अब तक 18 बार बंगाल गया हूं और बंगाल की जनता त्रस्त है। जिस प्रकार की हिंसा की राजनीति को वहां तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, मैं मानता हूं बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। 2016 के बंगाल चुनाव में बीजेपी की ताकत टीएमसी के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन 5 साल में टीएमसी को ऐसी चुनौती देने की स्थिति में बीजेपी आ जाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। बीजेपी आज बंगाल के सांस्कृतिक गौरव की बात करती है। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद से लेकर खुदीराम बोस तक बंगाल के हर बड़े आयकन को बीजेपी याद कर रही है। साथ ही बीजेपी हिंदू अस्मिता के नाम पर ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई मोल ले रही है। बोलो जय श्री राम। जिस जय श्री राम के नारे के बूते बीजेपी देश भर में 2 सीटों से 300 पार सीटों तक पहुंची है, बंगाल में वही नारा सबसे ज्यादा गूंज उठा है, क्योंकि ममता इसे सियासी बताकर पलटवार कर रही है। जय श्री राम मीन सीता एंड राम। जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ, तुष्टिकरण के खिलाफ का। लेकिन हम जो फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं।
जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। 2011 में परिवर्तन का नारा देकर ही ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था, लेकिन परिवर्तन अब बीजेपी का सियासी अस्त्र है। बहुमत की सरकार बनाएगी और परिवर्तन। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं वो कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल बाहर करेंगे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मैं क्या कहूंगा, संभाल कर रखेंगे ऐसा कहूंगा? मैं उखाड़ने ही आया हूँ सरकार को भैया। यहाँ मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मैं ये कहूँ मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर रखूंगा, क्यों कहूँ? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूँ बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे एक बार। 18 फरवरी को अमित शाह जिस पांचवी परिवर्तन यात्रा को लॉन्च करेंगे उसे मिलाकर ये सारी यात्राएं बंगाल के सभी 294 क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं। नादिया के नवद्वीप, बीरभूम के तारापीठ, झारग्राम और कूच बिहार के बाद पांचवी यात्रा काकद्वीप से निकलने वाली है। सूर्याना की रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।